अगर मैं एक ऐसे स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट होता जहां मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है पर उस स्कूल और कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो मैं क्या करता? जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रास्ते बताऊंगा जिससे अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी नहीं है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला तरीका है उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल के स्पोर्ट टीचर्स या फिर कॉलेज के स्पोर्ट टीचर्स से पूछना है कि ऐसा स्कूल या कॉलेज बता दीजिए जहाँ एनसीसी हो, बाकी का काम आप देख लेंगे। तो बस वो आपको इतना बता दे काफ़ी रहेगा। अगर उन्हें नहीं पता तो आप किसी एनसीसी कैडेट को ढूंढिए। अगर आपका कोई फ्रेंड एनसीसी कैडेट है तो उससे पूछिए, क्या भाई आपको पता है कि एनसीसी कहाँ है, कौन से स्कूल में से करते हो आप, कौन से कॉलेज में हो? तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि उस स्कूल या कॉलेज में एनसीसी है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। जब आपको ये पता चल जाए कि उस स्कूल और कॉलेज में एनसीसी है तो हर स्कूल और कॉलेज में जहाँ एनसीसी होती है वहाँ पे एक एनओ होता है, एसोसिएटिव एनसीसी ऑफिसर। तो आपको सिंपली उनके पास जाना है और आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर आपके जो भी जितने भी एनसीसी की भर्तियाँ निकलती है उसमें क्या एक सीट आप मेरे लिए रिजर्व रख सकते हैं? अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर आपकी वो एक सीट रिजर्व कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ थर्ड वो कौन सा तरीका है जिससे आप एनसीसी पा सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। जब हमारी दोनों स्टेप्स काम नहीं करें तो थर्ड स्टेप हमारी आती है, हमें डायरेक्ट बटालियन जाना है। जहाँ पे भी एनसीसी होती है जिस भी स्कूल कॉलेज में उस एरिया के आसपास एक बटालियन यूनिट होती है, वहाँ पे जाना है आपको। वहाँ पे आपको जेसीओ, सीनियर जेसीओ करके एक ऑफिसर होते हैं आर्मी ऑफिसर, उनसे जाके बात करनी है। उनके पास एप्लीकेशन लेके जाना है कि सर मुझे एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ मेरे स्कूल या फिर आप कॉलेज में, तो मेरे स्कूल और कॉलेज में एनसीसी नहीं है, सर क्या आप मुझे एनसीसी दिलवा सकते हैं? तो आपको एक तरीका मैं बताता हूँ, आपको एप्लीकेशन तो देना ही है, साथ में उनको ये भी बताना है कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जब उनको लगेगा कि हाँ आपको इंडियन आर्मी में जाना है, आपको एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें करना है, एनसीसी आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो जब ये सब चीज़ें आप बताओगे एकदम सच सच बताना है तो डेफिनेटली वो मान जाएंगे। और वो अगर मान गए तो आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज में बात करके एक सीट आपके लिए रिजर्व पक्का करा देंगे। वो सब फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट वो तो होगा ही सही, बट आपकी सीट रिजर्व हो सकती है अगर आपने ये ट्राई किया तो। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ तरीके की। अगर हमारे जेसीओ सर भी नहीं मानते हैं तो हमको सीओ सर के पास जाना है, वहीं बटालियन में ही नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन लेके, देन डेफिनेटली वो मान जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट करनी है, आपको सारी चीज़ें बतानी है कि आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है एनसीसी ज्वाइन करना, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनको परेड करते हुए देख के आपको आरडीसी कैंप करना है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करना है। जब आप ये सारी बातें बताएंगे तो सीओ साहब ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों ये सब तो ठीक है, अब आप बोलोगे इसके अलावा कौन सा ऑप्शन बताए? जो फिफ्थ ऑप्शन है वो ये है कि आपको फिर से कोशिश करनी है। अगर आपका फिर भी वो मना कर दे तो आपको फिर कुछ दिन रुकना है, फिर वापस से जाना है एप्लीकेशन लेके। जब उनको ये लगेगा कि यार ये जो स्टूडेंट है जिसमें बहुत जुनून है एनसीसी से रिलेटेड, इंडियन आर्मी से रिलेटेड, तो देन डेफिनेटली वो मान जाएंगे और किसी स्कूल या कॉलेज में आपकी सीट रिजर्व करवा देंगे वहाँ के एनओ से बोल के कि इस स्टूडेंट को स्पेशली आपको रखना ही रखना है क्योंकि इसमें बहुत जुनून है एनसीसी से रिलेटेड और ये बच्चा आगे काफ़ी सारी चीज़ें फोड़ सकता है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, इन कुछ 5 स्टेप्स को फॉलो करना, डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई सा तरीका वर्क करेगा और आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो मैंने शुरू के 2-3 तरीके बताए उनमें ही आपका काम हो जाएगा, आपको फिफ्थ ऑप्शन तक आने की जरूरत शायद ही पड़ेगी। बट अगर पड़ती भी है तो फिर कोशिश करना, लेकिन हाँ कोशिश करते रहना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात एनसीसी की, तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।